ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب هفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله

और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है बाद उसके तमाम नबियों और रसूलों पर और सलाम नाजिल हों खूसा आखिरी नबी हज़रत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन पिछली बार मैंने मौत का मंजर इस इसमान पर जुमा का ख़ुत दिया था और मौत के बाद का जो मरहला है वो क़बर का इसलिए इसी मुनासिबत से मैंने आज के इस जुमा के ख़तबे के लिए जिस मौजू को मनतखब किया है वो है क़बर की ज़िंदगी पर हर इंसान को चार मरहलों से गुज़रना होता है चार अदवार से हर शख़्स को गुज़रना एक दौर वो होता है जब इंसान माँ के पेट में रहता है जिसकी मुद्दत बहुत मख्तसर है नौ महीने कमो बेश कभी उससे पहले भी इंसान पैदा होता है कभी बाद में भी तो एक मरहला पहला मरहला रहम मादर का जो बहुत मख्तसर होता है दूसरा मरहला होता है पैदा होने के बाद से लेकर के मौत तक ये दूसरा मरहला पहले मरहले से बहुत ज़्यादा होता जिसमें हम और आप अभी फ़िलहाल गुज़र रहे हैं जिसको दुनियावी ज़िंदगी कहते हैं उसके बाद तीसरा मरहला होता है मरने के बाद से ले के क़यामत कायम होने तक का मरहला जिसको क़बर की ज़िंदगी भी कह सकते हैं या बरसक़ की ज़िंदगी कह सकते हैं तो ये तीसरा मरहला होता जो है ये पहले और दूसरे मरहले से भी ज़्यादा होता है हमारे बाप दादा मर चुके हैं सालों साल हो गए बहुत सारे लोगों को मरे हुए हजारों साल हो गए आज वो कबर में हैं तो ये तीसरा मरहला जो होता है ये पहले और दूसरे मरहले से भी ज़्यादा होता है उसके बाद का मरहला होता है वो आखिरत का मरहला होता है जब इंसान जन्नत या जहन्नम में चला जाएगा वो मरहला वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है मालूम ये हुआ कि पहला मरहला मुख्तसर, फिर दूसरा मरहला उससे ज़्यादा तीसरा उससे ज़्यादा और चौथा मरहला जो है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है लेकिन हमारी पूरी कोशिशें जो होती हैं वो दूसरे मरहले को संवारने के लिए जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं अच्छे से अच्छा घर बनाना अच्छी से अच्छी गाड़ी लेना अच्छे से अच्छा उहदा हासिल करना नाम कमाना हमारा मकसद सिर्फ़ दूसरे मरहले को संवारना जबकि तीसरा और चौथा मरहला बहुत ख़तरनाक है और हम सबको उस मरहले से गुज़रना है। हैजरतमानबिन रदी अल्लाह तहों के बारे में आता है सनन तिरमिज़ी की हदीस है कि हजरत बिन बिनान ऱी अल्लाह तहो जब किसी कबर के पास जाते थे तो बहुत रोते थे हदीस के अल्फाज हैं इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी उनके आंसुओं से तर हो जाती थी और दाढ़ी भीग करके आंसू के कतरा दाढ़ी से टपकने लगते थे साहब राम ने ताज्जुब किया कहा मोमिनीन आपके सामने जन्नत का तस्करा होता है जहन्नम की हौलनाकियाँ बयान की जाती हैं लेकिन आप जन्नत और जहन्नम के बारे में सुन करके उतना इमोशनल नहीं होते हैं जो आप कबर को देख कर के होते हैं तो हैतमान गनी रज़ी अल्लाह तहों ने कहा कि ये कबर का मरहला ये पहला मरहला है मैंने हजूर सल्ला वम से फरमाते हुए सुना कि ये कबर का मरहला पहला मरहला है अगर यहाँ इंसान नजात पा गया कामयाब हो गया तो उसके बाद के मराहल बहुत आसान हो जाएंगे यानी कबर के बाद का मरहला जो होता है वो हिसाब व किताब का है वो महशर का है वो पुलसरात से गुज़रने का है तो क़बर के मरहले में अगर इंसान कामयाब हो गया तो महशर में भी कामयाब हो जाएगा पुलसरात पे भी कामयाब हो जाएगा सवाल व जवाब में भी कामयाब हो जाएगा यानी कबर की मंजिल जो है कबर की ज़िंदगी जो है यही आगे की ज़िंदगी का तय करती है मरहला तय करती है इसलिए कबर को देख करके मैं ज्यादा रोता हूं और अगर कोई शख्स यहां नाकाम हो गया अगर कोई यहां नामुराद हो गया तो बाद वाले मराहिल में उसके सामने और ज्यादा मुश्किल आएंगे कबर की मंजिल पहली मंजिल है इस इम्तिहान में अगर नाकाम हुआ तो महशर और पुलसरात का मामला इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा इसलिए कब्र को देख करके मैं रोता हूँ और इमोशनल हो जाता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान चाहे वो नेक हो या बुरा मोमिन हो या काफिर मर्द हो या औरत जब उसको कबर में उतारा जाता है तो कबर में उतारने के बाद जब उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं तो कबर उसको एक बार दबाती है और आप सोचें कि अगर कबर दबाएगी तो हमारी हालत क्या होगी इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को दफन करने के बाद दुआ करते थे और आप सहाबा से कहते थे कि अपने मरने वाले भाई के लिए इस्तेकामत की दुआ करो हमने दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझ लिया है हम कबर की ज़िंदगी को भूल गए हैं हमें मालूम नहीं है कि मरने के बाद हमें कबर में सोना है हम रोज़ देखते हैं कि हमारे आयजा और अकरबा मर रहे हैं हम उनकी नमाज जनाजा पढ़ करके के उनको कबर में दफन करते हैं कबर में दफन करने के बाद उनके लिए इस्तेकामत की और इसतफ़ार की दुआ करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी हम कबर के उस मरहले से उस मंजिल से और कबर के उस दौर से अपने आप को गाफिल रखते हैं अल्लाह के नबी सा ने फरमाया क़बर ज़रूर दबाती है कबर के दबाने से कोई महफूज नहीं रहेगा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तैाल बयान करती हैं कि अगर कबर के दबाने से कोई महफूज रह सकता तो वह हरते साद इबन मास रजी अल्लाह तहो होते लेकिन हरत साद इब्ने माज़ रजी अल्लाह तह भी कबर के दबाने से महफूज नहीं रह सके और साद इबन मास रजी अल्लाह तहो कौन है सोना नसी की हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत साद इबन मास रजी अल्लाह तहो का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह का अर्श हरकत में आ गया सुन हजरत साद इबन मास रजी अल्लाह तहों का इंतकाल हुआ तो अल्लाह का अर्श हिल गया। हजरत साद इबन मास रजी अल्लाह तहों के जनाजे में सत्तर हजार फरिश्तों ने शिरकत की एक दो नहीं सत्तर हज़ार फरिश्तों ने हजरत साद इबन मास रजी अल्लाह तैालों के जनाजे में शिरकत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई लेकिन दफन करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कबर ने हजरत साद इबन मास रजी अल्लाह तहों को दबोच लिया फिर मैंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह को ताला ने माज ताला को तला नेबन मास रजी अल्लाह तला की खबर को कुशादा कर दिया मेरे भाइयों हमको और आपको उस मरहले से गुजरना है खबर के उस मरहले से गुजरना है हमारे अपने जो हमसे मोहब्बत करते हैं हमारे अपने जो हमारे हर खुशी और गमी में शरीक होते हैं हमारे अपने जो हमारी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं हमारे अपने जो हमारे गम को अपना गम समझते हैं मरने के बाद नहला करके धुला करके कफन पहना करके जनाजे की नमाज पढ़ करके हमारे अपने ले जाएंगे हमें कबर में उतार करके मनो मिट्टी डाल देंगे ये एक हकीकत है ये एक हकीकत है बल्कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को जल्दी दफन किया करो हमारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाला अगर अच्छा और नेक है तो उसके अच्छे और नेक जगह पर जल्दी पहुंचा दो और मरने वाला अगर बुरा है तो उस बुरे शख्स को अपने कंधे से जल्दी उतार दो हदीस में यह भी बयान किया गया कि जब लोग मुर्दे को लेकर चलते हैं तो मुर्दा कहता है मुझे कहां लेकर जा रहे हो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो अगर वो बुरा है तो वो परेशान होता है और अगर अच्छा है तो कहता है मुझे जल्दी मेरे मकाम तक पहुँचा दो और इंसान के अलावा तमाम मखलूक़ मुर्दे की इस आवाज़ को सुनती है कबर एक हकीकत है हम सबको उस मरहले से गुजरना है जब इंसान को कबर में दफन किया जाता है खड़े होकर के दुआ करते हैं हम हमारी दुआएं कितनी असर करती हैं ये अल्लाह को मालूम लेकिन हमारा काम है दुआ करना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मरने वाले भाई के लिए दुआ करो इसलिए कि अब इससे सवाल किया जाएगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान मुर्दे को कबर में दफन करने के बाद जब वापस होता है मुर्दा अभी लोगों की जूतियों की आवाज़ को सुनता है यानी कब्रस्तान से अभी हम बाहर नहीं निकले होते हैं कि फौरन उसके सामने दो फरिश्ते आ जाते हैं एक का नाम है मुनकर दूसरे का नाम है नकीर ये दोनों फरिश्तों की कैफियत हदीस में बयान की गई है इनके दांत कितने बड़े होते हैं इनकी आंखें कितनी चमकदार होती हैं ये कितने मोटे और तगड़े होते हैं इनकी आवाज कितनी गरजदार होती है हदीस में सब बयान किया गया मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ वो फरिश्ते आते हैं मुर्दे से सवाल करते हैं हर एक से तीन सवाल किया जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुर्दे को बैठाया जाता है उससे तीन सवाल किए जाते हैं पहला सवाल रब के बारे में होता दूसरा नबी के बारे में होता है तीसरा दीन के बारे में होता तुम्हारा रब कौन है हमने बचपन से सुना है हम जानते हैं जवाब क्या देना होगा मेरा रब अल्लाह है सवाल होता है तुम्हारा नबी कौन है या बात रवायतों में आता है नबी की शक्ल दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा फी हादर रजुल। इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है यह कौन है तो इंसान कहता है यह हमारे नबी मोहम्मद सल्लाम फिर तीसरा सवाल होता है कि तुम कौन से दीन पर थे कौन से मजहब पर थे तो हम जवाब देंगे हमारा दीन दीन इस्लाम बज़ाहिर लगता है कि बहुत आसान है लेकिन जो चीज जितना ज्यादा आसान दिखाई देती है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होती है उतना ही मुश्किल होती है मेरे भाइयों लगता है बहुत आसान है फरिश्ता पूछेगा मन रबू का तेरा रब कौन है हम कह देंगे रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है इतना आसान नहीं है इस सवाल में तोहीद मुजमर है जिस इंसान का तोहहीद मजबूत होगा जिसने अल्लाह पर अपने अकीदे को मजबूत रखा होगा वही पहले सवाल का जवाब दे सकेगा अल्लाह को छोड़ करके दूसरों के दर पे सर झुकाने वाला अल्लाह के नाम को छोड़ करके दूसरों को पुकारने वाला अल्लाह को छोड़ करके दूसरों के नाम पर नजरों न्याज करने वाला अल्लाह को छोड़ करके दूसरों के लिए कुर्बानियां करने वाला अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को हाजत रवा मुश्किल कुशा और दूसरे क्या क्या समझने वाला उसने अपने तोहीद को बर्बाद कर लिया है इसलिए मन रबू का इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा ये जहन में अपने बात बैठा लें, पहले सवाल का जवाब तोहहीद की बुनियाद पर होगा तोहीद मजबूत होना चाहिए और तोहीद ही असल है तोहीद ही असल है कयामत के दिन इंसान की कामयाबी तोहीद पर ही मुनहसिर है अगर तोहीद में किसी तरह की कोई आमेजिश हुई तो वो इंसान कामयाब नहीं होगा ये बात कान खोलकर सुन लें दिल में बैठा लें दूसरा सवाल तुम्हारा नबी कौन है या इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल बहुत आसान है ये हमारे नबी बहुत असल नहीं जो लोग नबी की अतात तो फरमा बरदारी करते हैं जो लोग हर मसले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ढूंढते हैं वही दूसरे सवाल का जवाब दे पाएंगे नबी की सुन्नतों को छोड़ करके दूसरों की तकलीद करने वाले नबी की सुन्नतों को छोड़ करके दूसरों के पीछे चलने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तरफ़ तवज्जो ना देने वाले दूसरों की बात मान करके नबी की हदीसों को ठुकराने वाले जवाब नहीं दे सकेंगे दुनिया में बहुत अच्छे लग रहे हैं वो लेकिन उन्होंने नबी करीम अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हक नहीं अदा किया नाम तो नबी का लेते हैं कलमा तो नबी का पढ़ते हैं लेकिन तकलीफ दूसरों की करते हैं मेरे भाइयों अगर हम चाहते हैं कबर में दूसरे सवाल का जवाब आसानी से दे लें तो अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की कोशिश करें हमारी खबर में ना हमारा कोई इमाम आएगा और ना हमारा कोई मदद करने वाला मददगार आएगा कबर में हमको अकेले जवाब देना है मस्जिद में बैठी हुई इतनी बड़ी तादाद बहुत सारे लोग होंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा तो पढ़ते हैं लेकिन नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं करते हैं जब उनको नबी की हदीसें बयान की जाती हैं नबी की सुन्नतों का तस्करा कहते किया जाता है तो कहते हैं ये बात तो सही है लेकिन हमारे इमाम ने ऐसा कहा है इमामों की बात मान करके नबी की बात को ठुकराने वाले सुन लो जब कयामत की जब खबर में सवाल जवाब होगा तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो या तुम्हारा नबी कौन है तो जवाब नहीं दे सकेंगे कलमा नबी का पढ़ा है ईमान नबी पर लाए हैं इसलिए हमारी जिंदगी नबी की सीरत के मुताबिक होना चाहिए तीसरा सवाल तीसरा सवाल क्या होगा दीन के बारे तुम्हारा दीन क्या है तुम्हारा मजहब क्या है क्या है हमारा मजहब इस्लाम इस्लाम के वसूलों पर अमल करने वाले हमारा सोना हमारा जागना हमारा उठना हमारा बैठना हमारी सियासत हमारी रियाजत हमारे शादी ब्याह हमारा मरना करना सब इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए इस्लाम ने कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है हमारे मजहब ने हमें इतनी तालीम दी है साहबा का यहूदी मजाक उड़ाते थे कहते थे तुम्हारा नबी कौन सा नबी है यह तो तुमको पाखाना पेशाब करने के आदाब भी बताता है तो साहबा कहते थे हाँ हमारा नबी हमें पाखाना और पेशाब करने के आदाब भी बताता मेरे भाइयों अल्लाह का शुक्र अदा करो हम उस मज़हब के मानने वाले हैं जिसमें छोटी छोटी बातों को भी बयान किया गया है पेशाब कैसे करना है पाखाना कैसे करना है तहारत कैसे हासिल करनी है इतना पाकीजा मजहब मज़हब इतना मुकम्मल दिन कोई नहीं आपको मिलेगा लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो कहते तो हैं हम मुसलमान हैं लेकिन तरीका यहूदियों का अपनाते हैं तरीका नसरानियों का अपनाते हैं तरीका गैर मुस्लिमों का अपनाते हैं ये तो वजा में तुम हो नसारा, तो तमदन में हो मुसलमान है जिन हैं जिन्हें देख के शर्माए मेरे भाइयों इस्लामी वसूलों पर अमल करने वाले इस्लामी वसूलों पर अपनी जान लुटाने वाले तीसरे सवाल का जवाब देंगे मेरे ख्याल से मसला समझ में आ चुका होगा कबर के तीनों सवालों का जवाब आपकी तोहद एतात रसूल और दीन इस्लाम की इतबा पर मुनहसर है प्यारे नबी सल्ला वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान सही जवाब दे लेगा तो उसकी कबर में एक सुराख की जाएगी और जहन्नम को दिखाया जाएगा जब ये नेक इंसान जहन्नम की हौलनाकियों को देखेगा उसके अजाब को देखेगा तो ये घबरा जाएगा फरिश्ता कहेगा परेशान ना हो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुमको इस अजाब से बचा लिया कबर से ही शुरू हो जाएगा तुमने ईमान की जिंदगी गुजारी और ईमान पर तुम्हारी मौत हुई इसलिए अल्लाह ने तुमको इस अजाब से बचा लिया फिर दूसरा सुराख किया जाएगा जन्नत की तरफ जब वो देखेगा तो खुश हो जाएगा कहेगा यही तुम्हारी मंजिल है यही तुम्हारी मंजिल है और जब बुरा रहेगा तो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा जन्नत की तरफ एक खिड़की खोली जाएगी एक सुराख किया जाएगा यह आदमी देखेगा तो खुश हो जाएगा आदमी तो बुरा था जिंदगी मकसद की बेमकसद गुजारी अपने मन की जिंदगी गुजारी जब ये देखेगा तो खुश हो जाएगा फरिश्ता कहेगा खुश ना हो यहां तुम पहुंचने वाले थे लेकिन तुम्हारी बदआमालियों ने तुमको बर्बाद कर दिया तुम कुफ्र की जिंदगी गुजारे कुफ्र पर तुम्हारी मौत हुई इसलिए तुम इससे इस, इस मंजिल से महरूम हो गए इस मकाम से महरूम हो गए फिर उसके बाद जहन्नम की एक तरफ एक खिड़की खोली जाएगी सुराख किया जाएगा देखेगा जहन्नम की हौलनाकियों का कहेगा यही तुम्हारी मंजिल है यही तुम्हारी मंजिल है मेरे भाइयों ये चंद दिन की जिंदगी है आंख बंद हुई बस खत्म आपका घर आपकी गाड़ी आपका बंगला आपका कारखाना आपके अज्जा आपके अखराबा आपके रिश्तेदार आपके दोस्तों अब सब साथ छोड़ देंगे इन लोगों के लिए अपनी आखरत को बर्बाद न करो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान को कब्र में उसका ठिकाना दिखाया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है इन्नाद कुम इज़ा माता उजा अलह मद बिलगदा तलाशी तुम में से कोई भी शख्स जब मर जाता है तो सुबह के वक्त में शाम के वक्त में उसका ठिकाना दिखाया जाता है कहा जाता है कि यही तुम्हारा ठिकाना है इनका निन अहलिलजन्नत फमिन अहलिलजन् वो अगर जन्नती है तो जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है यह है तुम्हारा मकाम रोजाना सुबह में शाम में कबर की जिंदगी में अपने मकाम का दीदार करता खुशी होती है। एक खुशी सुबह में एक खुशी शाम में तो रोजाना हमको खुशी होती रोजाना खुशी होगी कबर में सुबह शाम अपना मकाम देखेगा इंसान प्यारे नबी ससन फरमाते हैं नार अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नम में उसका ठिकाना दिखाया जाता है युकालू कहा जाता है हाजा मक का यही तुम्हारा ठिकाना है मल्क़ियामा यहाँ तक कि अल्लाह तबार को तला के दिन तुमको उठाएगा यानी क़बर में सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है जन्नती है तो जन्नत की नमतें दिखाई जाती हैं अगर जहनमी है तो जहन्नम की हौलना दिखाई जाती हैं कहते हैं रोज अजाब होता है इंसान जीते जी मर जाता है कोई खुशी होगी इसलिए कब्र की तैयारी करो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यही कहा करते थे एक दफा का वाकया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठे हुए थे कब्र अभी तैयार की जा रही थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास बैठे हुए थे आप रो रहे थे हमने कभी कब्रिस्तान में आंसू बहाया है हमने कभी किसी कबर में किसी को दफन करते हुए हमारे दिल में कभी अल्लाह का खौफ और दहशत पैदा हुआ है हम इतने कठोर दिल हो गए हैं हम इतने मजबूत दिल के हो गए हैं हमारे सामने बड़े पे बड़े हादसा होते हैं लेकिन हमारे दिलो दिमाग में किसी तरह का कोई हैजान नहीं बरपा होता है गुनाहों ने हमारे दिलों को इतना सख्त कर दिया है हमारे नबी कब्रस्तान में बैठ कर रो रहे हैं है तो उस्मान बिन अफान कब्र के पास बैठ कर रो रहे हैं साहबा कहते हैं प्यारे नबी रोए इस कदर रोए इस कदर रोए कि आपके सामने आंसुओं के गिरने की वजह से आपके सामने की जमीन भीग गई हमारी तो कभी दाढ़ियां भी नहीं भीगती हैं हमारे आंखों से आंसू छलक करके हमारे रुखसार तक भी नहीं पहुंच पाते हैं अगर कभी कोई इमोशनल बात हो करके किसी की आंखें आप दीद हो गई तो वो शख्स समझता है कि आज मेरे पर किसी का असर हुआ ये हमारी पोजीशन साहबा रोते थे रोते थे क्या हो गया है हमारी आंखों को हमारे आंखों से आंखों से अल्लाह ने आंसुओं को भी छीन लिया बड़े से बड़े हादसात को देखते हैं हमारी आंखें नम भी नहीं हो पाती हैं प्यारे नबी कबर के पास बैठे हुए हैं कबर तैयार की जा रही है आपके आंखों से आंसू टपक रहे हैं कितने आंसू गिरे होंगे साहबा कहते हैं आपके सामने की जमीन भीग गई तर हो गई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबन माजा की हदीस है या खबानी ले मिसल लिहाजा फाइदू अय मेरे भाइयों इसके लिए तैयारी कर लो ये जो गढ़ा खोदा जा रहा है ये जो कब्र तैयार की जा रही है इसके लिए तैयारी कर लो इसके लिए तैयारी कर लो मरने के बाद तुमको भी इसी कबर में आना है हम जाते हैं कब्रस्तान में मुर्दे को दफन करके वापस आ जाते हैं हम ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा हमारे लोग हमारे लोग हमें अपने कंधों पर लेकर आएंगे जिस तरीके से हम अपने साथी को कबर में दफन करके वापस जा रहे हैं एक दिन आएगा हमें भी कब्र में दफन करके लोग वापस चले जाएंगे कभी हमने ख्याल किया कभी गुजरा हमारे दिल पर यह ख्याल गुनाहों ने हमारे दिलों को कितना मजबूत कर दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबर के पास बैठ कर रोया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान की जियारत किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया कब्रस्तान की जियारत किया करो तुम्हारी ज़िंदगी की हकीकत याद आएगी कब्रस्तान में कितने लोग ऐसे मतफून हैं जो तुमसे बड़े थे जिनके पास ओहदा था जिनके पास मनसब था जिनके पास गाड़ियाँ थी जिनके पास बंगले थे जिनके पास हुकूमत थी जिनके पास सल्तनत थी जाके देखो कब्र में पड़े हैं आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो ये चंद दिन की जिंदगी ये दुनिया की रंगीनियां तुमको अल्लाह से गाफिल न कर दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कब्रस्तान जाया करते थे कब्रस्तान में जा कर के कब्रस्तान की जियारत करते थे अल्लाह को याद करते थे और लोगों को भी कब्रस्तान की ज़ियारत का हुक्म देते आप फरमाते कब्रस्तान की ज़्यारत किया करो इससे मौत याद आती है तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम होती है जब कब्रस्तान की जियारत करेंगे कब्र की तैयारी भी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रमायात सलासतुन तहलू वह मां लूहू व अमल हो कोई भी इंसान जब मर जाता है तो उसके साथ तीन चीज़ें लगती हैं सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। कोई भी इंसान जब मरता है तो उसके पीछे कितनी चीज़ें लगती हैं तीन अहलहू व मां लूहू व अमल हो इसनान दो चीज़ें वापस आ जाती हैं वैब कवाहिद एक चीज़ बाकी रहती है जो आपके साथ कबर में जाएगी सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस। हदीसू व अमाल उसके घर वाले और उसका माल वापस आ जाता है वैब का अमल उसका अमल उसके साथ कबर में जाता है कबर में आप क्या लेकर के जाएंगे कबर में हमारे साथ क्या जाएगा जो जिंदगी में हमने अमल किया है हमारी नमाजें हमारे रोज़े हमारे सदक़ात हमारे खैरात, हमारे अतियात हमने दूसरों के साथ जो एहसान किया है हज उमरा कुरान की तिलावत अल्लाह का ज़िक्र यही चीज़ें कब्र में जाने वाली हैं माल आपका यहीं रह जाएगा प्यारे नबी ने फरमाया माल वापस आ जाता है औलाद वापस आ जाती है इंसान माल कमाने के लिए कितने जतन करता है झूठ बोलता है चोरी करता है दगाबाजी करता है धोखा देता है माल के लिए औलाद के लिए बीवी के लिए बच्चों के लिए अपनी आखरत बर्बाद करता है मेरे भाइयों कान खोल कर सुन लो ना आपकी बीवी आपके कबर में जाएगी ना आपके बच्चे आपके कबर में जाएंगे ना आपका माल आपके कबर में जाएगा बीवी बच्चों और माल को कमाने के लिए उनको आराम पहुंचाने के लिए अपनी आखबत को बर्बाद न करो कबर में अकेले जवाब देना होगा जब अल्लाह की तरफ़ से फरिश्ता सवाल करेगा तुम्हारा रब कौन है तुम्हारा दीन क्या है तुम्हारे नबी कौन है बीवी जवाब देने नहीं आएगी बच्चे जवाब देने नहीं आएंगे माल आपका सपोर्ट करने नहीं आएगा इसलिए माल के लिए औलाद के लिए बीवी बच्चों के लिए अपने आकबत को बर्बाद न करो यर्ज उतनाने वाहिद दो चीज़ें वापस आ जाती हैं एक चीज़ बाकी रहता है यर्ज उहल व मालू उसका माल और उसके घर वाले वापस आ जाते हैं वयबका का अमल हो उसका अमल बाकी रहता है हमने देखा है हमने महसूस किया है ये एक हकीकत है आप कितने भी बड़े आदमी हों आपने कितना भी माल बनाया हो आपके मरने के बाद आपकी औलाद तीन दिन तक याद करेगी चंद दिनों तक याद करेगी बाद में वो माल बांटने में हवेलियाँ बांटने में कंपनी बांटने में कारखाने बांटने में पैसे बांटने में झगड़ा करेगी झगड़ा करेगी औलाद आपको बुरा कहेगी मेरा बाप फला को ज्यादा देकर गया मेरा बाप फला का सपोर्ट करता था मेरा बाप मुझे मुझे नज़रअंदाज करता था मेरे भाइयों दूसरों के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें फैर जी ओसनिद दो चीज़ें वापस आ जाती हैं एक ही चीज़ जन्नत में एक ही चीज़ कब्र में आपके साथ जाने वाली है वो कब्र हमारे लिए भी है आपके लिए भी है अमल जाने वाला है अमल की तरफ तवज्जो दो अमल की तरफ तवज्जो दो ये दुनिया की रंगीनिया ये जरक बर्क दुनिया ये रंगीन दुनिया ये हरी भरी दुनिया ये किसी के साथ वफा नहीं करती है लोग आए मर के चले गए दुनिया ने दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा सारे लोग मिट्टी में समाए हैं सारे लोग मिट्टी में बने चले गए हैं जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ आए बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाए यारो बुरा ना मानो सबका यही हशर है दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है मंजिल तेरी कबर ये दुनिया ये चंद दिन की है आँख बंद हुई तो बस आँख बंद हुई तो बस किसी को नहीं मालूम है वो कितने दिन तक रहेगा मेरे भाइयों कबर बरहक है बहुत सारे लोग कबर के अजाब का इनकार करते हैं अब अजाब कबर बरहक है अल्लाह तबारक वाली ने सुर मोमिन के अंदर सूर मोमिन के अंदर अल्लाह तबारक वाले ने फ्र का और फिरओन के अहलोल का जिक्र किया है कहा है कि इनके सुब, इनके सामने सुबह शाम जहन्नम का अजाब पेश किया जाता है और कयामत के दिन ये जहन्नम में डाले जाएंगे आले फिरौन का तस्करा करते हुए अल्लाह ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक कब्रस्तान से गुज़र रहे थे वहाँ दो कब्र वाले थे आपने फरमाया इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है आपने एक हरी टहनी मंगाई और उसको तोड़ करके दोनों कब्र पर डाल दिया कहा एक को इसलिए अजाब हो रहा है कि ये पेशाब की छींटे से नहीं बचता था और एक को इसलिए अजाब हो रहा है ये चुगुल करता था इधर की बात उधर उधर की बात इधर, की बात इधर करता था कितने लोग ऐसे हैं जो पेशाब की छींटों से नहीं बचते हैं नौजवानों पेशाब की से अपने आप को बचाओ पेशाब के छीटों से ना बचने की वजह से कब्र में अजाब होता है बास ने कहा है, हैते मास का तस्करा जो मैंने पहले किया जिनको खबर ने दबोशा और प्यारे नबी ने कहा मैंने दुआ किया तो उनकी कब्र को शादा हो गई बास लोगों ने कहा है कि यह अजाब कब्र में इसलिए हुआ कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे मेरे भाइयों पेशाब के छींटों से बचो चुगुल खोरी से बचाओ अपने आप को चुगल खोरी ये कबर में अजाब का सबब बनता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलम कबर का सबूत इससे भी है आपने फ़रमाया अउबी आप का मिनजा क़ब्रया ला में अजाबर से तेरी पनाह चाहता हूँ वउ्बी का मिनब जहन्नम और आया जहन्नम से अजाबल्न्ना से तेरी पनाह चाहता हूँ आप हमेशा नमाज में ये दुआ करते थे कबर की मुख्तलि शक्लें जो कुरन हदीस में बयान की गई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जो इंसान सवाल का जवाब नहीं देता है एक फरिश्ता रहता है जो लोहे का हथौड़ा लेकर के उस कबर वाले को मारता है उसकी गुद्दी पर मारता है मामूली पत्थर मार दे तो आदमी बेहश हो जाता है वो पत्थर वो लोहा लोहे का हथौड़ा उससे मारा जाता है और वो 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 कबर वाला चीखता है चिल्लाता है हमारे नबी ने फरमाया इंसान के अलावा इंसान के अलावा तमाम मखलूकात उसको सुनती है उसको सुनती है हथौड़े से मारा जाता है कबर में जहन्नम का बिस्तर बिछाया जाता है ये अजाब की मुख्तलफ शक्लें हैं कबर में जहन्नम का लिबास पहनाया जाता है जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है कबर को तंग किया जाता है ज़मीन को ज़मीन में धंसा दिया जाता है ये भी कबर का अजाब अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया फरमायानी मजीद में अल्लाह ने भी फरमाया एक शख्स था जो बेहतरीन लिबास पहना अकड़ते हुए बाहर निकला अल्लाह तबार को तौ ने उसको ज़मीन में धंसा दिया कयामत तक धंसता रहेगा कारून अल्लाह तबारक तौर ने उसको धंसा दिया तो अजाब खबर में से ये भी है कि उसको धंसा दिया जाता है ज़मीन में धंसा दिया जाता बास रवायतों में आता है एक शख्स के पत्थर को कुचलता हुआ प्यारे नबी ने देखा आग के तनूर में आपने कुछ लोगों को देखा खून के नहर में कुछ लोगों ने देखा अगर इन कबर के अजाबों का तस्करा करो तो मुस्तकिल कई खुदबात हो जाएंगे मेरे भाइयों अल्लाह तबार को ने अजाब कबर को हमसे छुपा कर रखा है इसमें बड़ी मसलहतें हैं वो तीन मसलहतें बता करके मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ अगर अजाब खबर देख लेते तो हमारी हालत क्या होती कबर बरहक है ये जहन में बैठा लें लेकिन हमको दिखाया नहीं गया इसमें तीन मसलहतें लोगों ने बयान की हैं नंबर एक अगर हमें मालूम हो जाए कि कबर वाले को अजाब हो रहा है कौन सा अजाब हो रहा है मेरे भाइयों कोई भी आदमी अपने बाप को अपने बेटे को अपनी बीवी को अपने भाई को अगर मालूम हो गया कि कबर में उसको यह अजाब हो रहा है आप बताएं आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी आपका बाप अगर कबर में जल रहा है आपके बाप को अगर कबर में अजाब दिया जा रहा है और हमने देख लिया तो हम सुकून की जिंदगी गुजार पाएंगे हमारी जिंदगी को पुरसकून बनाने के लिए अल्लाह ने अजाब से हमको हमारी निगाहों को महफूज रखा है नंबर एक नंबर दो अल्लाह तबारक तआला ने इज्जतों को महफूज रखा है अगर किसी शख्स को कब्र में उतारा गया और कब्र में अजाब होने लगा और हमने देख लिया तो हम क्या कहेंगे वो कैसा आदमी था हम उसकी इज्जतों को नीलाम करेंगे उसको बुरा समझेंगे हमारी मजलिसों में उसके बुराई के तस्करे होंगे अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों को महफूज रखा है दुनिया में भी हम लाखों बुराइयाँ करते हैं हमारे हमारी बुराइयों पर अल्लाह ने पर्दे डाल दिया है कब्र में भी अल्लाह ने पर्दा डाल कर रखा है ये दूसरी मसल नंबर तीन प्यारे नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मुझे डर ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को कबर में दफन करना बंद कर दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह तबारक वाली तुमको कबर का अजाब दिखा दे लेकिन मैं नहीं करता हूं इसलिए कि का अजाब अगर देख लोगे तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दोगे मेरे भाइयों ये चंद बातें थी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली हमें खबर की तैयारी करने की तोफीक नायत फरमाए खबर के अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए अल्लाह हमें खबर के सवालों जवाब को कमा हकू अदा करने की और सही सही जवाब देने की अल्लाह हम सबको तोफ़ी इनायत फरमाए तोहद पर इस्तकामत नसीब फरमाए नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तोफ़ी इनायत फरमाए दीन वसूलों पर अमल करने की तोफ़ी इनायत फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रब ना तकबल मन्ना इन नकान तस्मीम व तुब अलना इन नकान तवाबुररहीम बेरहमती का या अरहमर रहीमी الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتعيد القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه